नमस्कार दोस्तों, कैम छो मैं पार्को पटेल हाईटेक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आप जो मुझे देख रहे हैं उनमें से कई यूजर्स के एडसेंस अकाउंट जो होगा उसके CTR अभी बढ़ रहे होंगे, यानी कि 15% से ज्यादा हो गए होंगे, या फिर उसका एडसेंस अकाउंट जो होगा वो शायद डिसेबल्ड यानी कि सस्पेंड भी हो गया होगा 1 महीने के लिए या फिर 6 महीने के लिए। दोस्तों ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसीलिए होता है कि इनवैलिड एक्टिविटी हमारे जो एडसेंस अकाउंट के साथ जो भी यूट्यूब चैनल या ब्लॉग होता है वो लिंक किया होता है और उसमें कुछ इनवैलिड क्लिक्स आती है एड पर, और इस वजह से हम पर गूगल जो होता है इनवैलिड एक्टिविटी का जो आरोप लगाते हैं और जो हमारा एडसेंस अकाउंट होता है वो डिसेबल किया जाता है, पहले 1 महीने के लिए उसके बाद 6 महीने के लिए। अब दोस्तों ऐसे में हंसी इस बात की आती है कि चोर कहता है कि मैंने चोरी नहीं की। दोस्तों ऐसा होता है कि हम जब फिर ऐसा हो जाता है कि हमारा एडसेंस अकाउंट जो होता है कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है, तो गूगल पर या फिर गूगल फॉर्म पर या फिर यूट्यूब पर कुछ वीडियोस देखते हैं और सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हमारा अकाउंट जो होता है फिर से रीएक्टिव कैसे हो, और फिर एक जो होता है लास्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो क्या होता है कि इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म हमको सबमिट करना पड़ता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया कि चोर ऐसा बोलता है कि मैंने चोरी नहीं की, और हम वहां पर डिस्क्रिप्शन में क्या लिखते हैं, हम यानी कि जो भी जिसका भी एडसेंस अकाउंट अभी सस्पेंड किया होता है वो वहां पर क्या लिखता है कि मैंने इनवैलिड एक्टिविटी नहीं की, यानी कि मैंने कभी खुद की एड पर क्लिक नहीं किया, ना ही मैंने मेरे फ्रेंड्स को बोला है, ना ही ये कुछ करा है, फिर भी मेरा एडसेंस अकाउंट ब्लॉक हो गया। लो तो दोस्तों आपको आप खुद को गूगल से ज्यादा स्मार्ट समझते हो क्या? तो ऐसे आप बहुत उम्मीद लेकर आप जो ये सबमिट करते हैं रिक्वेस्ट, उसके बाद आपके इनबॉक्स में एक मेल आता है, उसमें क्या लिखा होता है, उसमें लिखा होता है कि इस ईमेल जो आपने रिक्वेस्ट की है उसका रिप्लाई आपको विद इन 48 आवर्स में दे देंगे, वरना कुछ हमारे ओवरलोड होगा वर्क पर तो आपको थोड़ी देर लगेगी, लेकिन उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा, आपके जो पूरा डेटा एनालिसिस होगा उसके बाद आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। अब जो हमारा केस है उसमें होता क्या है कि 1000 लोग जब रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं, यानी कि मान लो कि 1000 लोगों का एक साथ एडसेंस अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो 1000 के 1000 लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं तो उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक का ही चांस होता है, 50% चांस होता है सिर्फ एक का 1000 में से कि उसकी जो रिक्वेस्ट होती है वो अप्रूव होती है, और जब उसके डेटा जो होते हैं एनालिसिस करते हैं वो लोग और देखते हैं कि वाकई में ये जो बंदा कह रहा है ये एक्चुअली में जेन्यून है रीजन या क्या है, उसके बाद जाके उसकी चैनल जो अप्रूव होती है फिर से जो उसका एडसेंस अकाउंट रिएक्टिव होता है। दोस्तों बाकी जो मेजोरिटी होती है उसका कोई लक नहीं लगता है, तो ऐसे में बहुत सैड हो जाते हैं कि यार मेरा नहीं लगा तो फिर मैं फिर से रिक्वेस्ट सबमिट करूं। तो कई यूजर तो ऐसे भी मैंने देखे हैं कि 10-10, 5-5, 10-10 बार जो एडसेंस पर अपील की सबमिट करते हैं वो अपील, और उसके बाद ईमेल आता रहता है, तो वो ईमेल जब आप दूसरी बार जो रिक्वेस्ट होती है वो सबमिट करते हो कि मेरा एडसेंस अकाउंट ऐसे इस तरह से इनवैलिड एक्टिविटी मैंने नहीं की, फिर भी ये कर दिया वो कर दिया, वो इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म जब आप सबमिट करते हो दूसरी टाइम, तो उस ईमेल में क्या लिख कर आता है, उसमें मेंशन होता है, शायद आपने पढ़ा होगा, तो उसमें मेंशन होगा कि आपका जो डेटा होगा हमारे पास जो पूरा का पूरा आपका रिलेटेड डेटा है वो एक बार एनालिसिस हो चुका है, अब हमको ऐसा लगता है कि आपको रिप्लाई देना जरूरी नहीं है, तो हम में से कोई भी आपको इस ईमेल का रिप्लाई नहीं देगा। इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि गूगल के पास और भी बहुत काम है, वो एक एक को पर्सनली इसीलिए ही ईमेल करते हैं क्योंकि वो आपको एडसेंस अकाउंट को सेफ रखना चाहते हैं, लेकिन आपने ही इनवैलिड एक्टिविटी की होती है इसकी वजह से वो लोग ऐसे ही रीजन आपको भेजते हैं कि आपका जो अकाउंट रिएक्टिव नहीं होगा। लेकिन फिर भी क्या होता है कि आप बार बार ऐसा सोच रहे हो क्योंकि मैं इस बार कोई और रीजन बता दूंगा और इस बार कुछ अट्रैक्टिव लिखता हूँ कि भाई मैंने ये नहीं किया वो नहीं किया मेरे फ्रेंड ने किया या फिर मेरे फ्रेंड ने भी नहीं किया मैंने किसी को बताया नहीं फिर भी ऐसा हो रहा है CTR बढ़ रहा है ऐसा आप कुछ नए नए जो रीजन हो गए अपने मन में आप ऐसे लिखते हैं वहाँ पर सबमिट करते हैं और सोचते हैं कि ये कारण नहीं चला इस रीजन से तो मेरा अकाउंट जो होगा वो एक्टिव हो कर देंगे वो लोग।
ऐसे में दोस्तों होता क्या है कि वो लोग जब आप ईमेल करते हो तो वो लोग पूरा का पूरा आपका रिकॉर्ड रखते हैं आपके डेटाबेस में, वो सब कुछ सेव किया होता है। जब आपके रिक्वेस्ट वहां पर जाती है तो जो भी कोई आपका जो ईमेल पढ़ रहा होता है वहां पर गूगल पर जो काम करता है वो देखता है कि आपने इस ईमेल से पहले कितनी बार रिक्वेस्ट सबमिट की है, उस सभी को वो पढ़ता है पहले, उसके बाद उसमें से जो उसको अच्छा लगता है वो कुछ कुछ ब्रीफ में रीजन निकालता है और उसके बाद वो डिसाइड करता है कि आपको कौन सा आपको अकाउंट एक्टिव करना है या नहीं करना है। मेजोरिटी ऐसी होती है कि आपका अकाउंट कभी एक्टिव नहीं करते हैं, आपको वो जो सस्पेंड किए हुए दिन है तब तक आपको वो भुगतना ही पड़ता है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो जो बंदा अब देखता है कि आपने बार 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 जो गूगल की अपील सबमिट की है तो क्या होता है कि वो कभी कभी आपका जो एडसेंस अकाउंट होता है वो परमानेंटली सस्पेंड कर देता है। मैंने कई बार देखा है कि एक बंदा था उसने 15 बार गूगल पर अपील की रिक्वेस्ट की, हर बार 15 दिन तक उसने हर रोज एक ईमेल इनवैलिड एक्टिविटी का फॉर्म सबमिट करके भेज देता था और हर बार एक ही ईमेल आता था कि नहीं हो सकता आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन वो समझता ही नहीं था, हर बार नया नया रीजन बताता था। तो उसके 20 दिन के बाद ही एक ईमेल आया कि आपका जो एडसेंस अकाउंट है परमानेंटली डिसेबल्ड हो चुका है। जब उसने ईमेल आईडी और पासवर्ड डाला तो अकाउंट सस्पेंड हुआ ऐसा रेड लाइन में लिख कर आया। तो दोस्तों आप भी, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया है एक बार तो आपको उसको एक बार रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं, उसके बाद ये वो लोग आपको ऐसा रिप्लाई देते हैं कि आपको भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों पेशेंस रखिए, गिव अप मत कीजिए, शेयर मत होइए, वीडियो को कंटिन्यूसली अपलोड करते रहिए, चैनल को कंटिन्यूसली अपडेट रखिए और आपको बार बार सबमिट ना करें क्योंकि ऐसे में आपके एडसेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सजेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ऐसे नए वीडियोस के लिए मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और तब तक के लिए आओ जो